बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ है। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भेजे गए हुए इस मैसेज में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूँ, अगर सलमान खान को जिंदा रहना है तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या फिर 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसा ना करने पर उनकी जान ले ली जाएगी। हमारी गैंग अब भी सक्रिय है। यह धमकी भरा संदेश पुलिस को कल यानी सोमवार आधी रात के समय मिला, जब ट्रैफिक कंट्रोल रूम में तैनात एक अधिकारी ने इसे पढ़ा। फिलहाल पुलिस धमकी देने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। कुछ समय पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने नोएडा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वारली पुलिस ने मुंबई पुलिस के ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए कई व्हाट्सएप संदेशों के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें सुपरस्टार से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अब बात करते हैं सलमान खान के खिलाफ पुराने आरोप क्या हैं। झारखंड के एक व्यक्ति ने भी सलमान खान को धमकी भरा मैसेज भेजा था, जिसमें उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और मामले को सुलझाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। सलमान खान 1990 के दशक में काले हिरण के शिकार के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आए गए थे। सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें तो हाल ही में सलमान खान के करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में उनके कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के नेता थे, बाद में वे एनसीपी में शामिल हुए। उनकी हत्या 12 अक्टूबर को अज्ञात हमलावरों ने की। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बाबा उसी निर्वाचन क्षेत्र से आते थे जहां सलमान का घर है।